वैशाली नगर थाना पुलिस की टीम ने थाना प्रभारी ममता अली शर्मा के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला। थाना प्रभारी ने कहा कि असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर असामाजिक तत्वों की धर पकड़, अड्डेबाजी करने वालों, देर रात तक घूमने वालों की धर पकड़ को लेकर पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। इसी के फलस्वरूप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के निर्देश पर वैशाली नगर थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला गया। थाना प्रभारी ममता अली शर्मा के नेतृत्व में निकले पैदल मार्च ने समूचे थाना क्षेत्र का भ्रमण किया। पुलिस द्वारा निकाले गए पैदल मार्च से असामाजिक गतिविधियों में संलग्न अड्डेबाजी करने वालों, आदतन बदमाशों, कबाड़ियों में हड़कंप की स्थिति बने रही। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन भी कुछ समय के लिए पैदल मार्च में शामिल हुए और थाना प्रभारी ममता अली से चर्चा कर असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की बातें कही। वैशाली नगर थाना प्रभारी ममता अली शर्मा ने पैदल मार्च को लेकर जानकारी दी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर मैट साहब द्वारा बल ब्रीफिंग के पश्चात ये कहा गया कि वैशाली नगर में जितने भी अड्डेबाज हैं उन पर हमें कार्रवाई करनी है, चेकिंग करनी है और यदि कोई संदिग्ध वस्तु मिलता है तो उसमें तत्काल कड़ी कार्रवाई करनी है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करना है। बहरहाल पुलिस प्रशासन का यह कार्य सराहनीय है, इससे असामाजिक गतिविधियों में लगाम लगने के साथ ही शहर की कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से नियंत्रण में रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।